ये है दिल्ली दर्पण। इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, आज दिल्ली की हालत कितनी बदतर हो गई है। ये जो साल 5 निकल गए हैं बहुत दुखदायी निकले हैं, इसको बदलने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, सीवर से मिला हुआ पानी आ रहा है। हमने सबके साथ समान काम करके भविष्य सुंदर उनका बने उसके दृष्टिकोण के हिसाब से काम करना है। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी संस्थाओं में जाकर और सभी लोगों से मिलकर ये चर्चा कर रही है कि किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए और किस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। तो आज हम लोग मौजूद हैं अशोक विहार फेज 1 में RWA के लोगों के साथ, जहाँ पर इस वक्त विपिन आहूजा जी मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने जो चर्चा की है वो किस विषय को लेकर की है और क्या क्या चर्चाएं उन्होंने की है। हाँ जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी में। धन्यवाद जी। तो आज ये जो चर्चा हुई है सब लोगों के साथ, RWA के लोगों के साथ, तो किस विषय पर चर्चा हुई है और क्या क्या चर्चा आज आपने की है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ और सबसे मैं भली भांति परिचित हूँ, वो मुझसे परिचित हैं और इनके बीच में इसलिए जैसे मैं आया हूँ कि इस समय जो विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत अति आवश्यक है। आज हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश को कहाँ से विश्व में आज 5वें स्थान पर ला दिया, जिनके संकल्प अब 2025 में तीसरे स्थान पर लाने के हैं, जिनके अंदर एक अलग सी एक शक्ति है, और अभी जो हमने जो आज उनके कार्यकाल में अभी दिल्ली के जो हमने सातों जो MP की सीटें जीती हैं वो निश्चित तौर पे हमारी एक ताकत बनी है। और उस ताकत के साथ साथ अब हमने जो दिल्ली की जो विधानसभा में अपने भारतीय जनता पार्टी को लाना है, जो बहुत आवश्यक है। आप देखिए दिल्ली का हाल क्या हो रहा है। आज अगर हमारी केंद्रीय सरकार, जिनके उद्देश्य ही हमारे जनहित के लिए हैं, हमारे विकास के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए हैं, तो हमें हर हालत के अंदर कुछ भी हो भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है। और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण सभी के लिए है, ये नहीं है कि भाई कोई एक अलग सा एक वोट बैंक बनाओ, नहीं, हमने सबके साथ समान काम करके, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, सभी के लिए हमने एक अच्छा एक भविष्य सुंदर उनका बने उसके दृष्टिकोण के हिसाब से काम करना है। तो आज इन सब के बीच में यही चर्चा थी कि आप लोग कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को आप आगे लेके आए। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आलोक जैन है, मैं RWA ब्लॉक से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा है विपिन जी अगर आते हैं हमारे विधानसभा के लिए, कर्मठ हैं और व्यापारी नेता हैं तो व्यापारियों की और जन समस्याओं को समझते हैं, तो अच्छा है, ये करेंगे अपने एफर्ट्स तो इनको टिकट मिलेगा और ये फिर जीत के आए तो अच्छा है। हम सब डी ब्लॉक के निवासी हैं और यहाँ पर जो दिल्ली का हाल है बयान ना करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत दुखी हैं हम सब। यहाँ सुविधा लेने वाला वो मिनिस्टर नहीं मिला इनको, जो CM बना हुआ है, जिसने कोई ख्याल ही नहीं हो रहा। सीवर का पानी इतना तकलीफदायक, हर पूरे अशोक विहार में किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, सबसे बड़ी समस्या सीवर खराब, पानी चौक, पीने का पानी नहीं आ रहा सही, हर ब्लॉक में यही परेशानी है। जब ये डबल इंजन की सरकार जब बन जाएगी ना तो हमारा देश तो है ही सही, राष्ट्रीय राजधानी का भी कल्याण हो जाएगा। ये जो साल 5 निकल गए हैं बहुत दुखदायी निकले हैं, इसको बदलने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। जहाँ तक हमारे कैंडिडेट का सवाल है, यहाँ पर बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसी बात नहीं, विपिन जी आ जाएं, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। ऊपर MP यहाँ के प्रवीण जी, नीचे ये
एक कोऑर्डिनेशन जो होता है उसका कुछ मुकाबला अलग होता है। सबसे पहले तो मैं विपिन जी का यहाँ स्वागत करना चाहूँगा जो कि एक फोर्थ कमिंग इलेक्शन के लिए प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे लिए जो भी कैंडिडेट आए वो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्र पहले होना चाहिए, फिर राज्य होना चाहिए। जो लोग इसको आगे देखेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। रही क्षेत्र की समस्याएं की बात, तो कई सारी समस्याएं हैं जो हम लोग जूझ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे साथी जैन साहब ने बता दिया कि एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, साफ स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, सीवर से मिला हुआ पानी आ रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम की बहुत ज़्यादा समस्या है, एनक्रोचमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर हम मॉनफोर्ड के सामने जाएं, पूरे दिन भर जाम लगा रहता है। विपिन ऊर्जा जी का स्वागत है। पहले तो इनको मैं बहुत टाइम से जानता हूं, बड़े कर्मठ हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनका एम अपनी तरफ से दिल्ली को सुधारने में लगा हुआ है पूरा। सबकी समस्याएँ सुनते हैं, उनका समाधान देते हैं। तो जो इनकी कोऑर्डिनेशन है उसके हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ, और हमारा पूरा साथ इनके साथ रहेगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो हमारे आसपास का है जिसको हम जानते हैं, ऑब्वियसली ये कंफर्ट लेवल होता है, और विपिन आहूजा जी के साथ तो डेफिनेट एक कम्फर्ट लेवल है, तभी इनके साथ काम किया जा सकता है। जहाँ तक दिल्ली की प्रॉब्लम्स की बात है, वो सारी प्रॉब्लम हमारे सामने है। पिछले 10 साल से वो प्रॉब्लम सारी मुँह बाय खड़ी है, मगर उनका कोई उत्तर नहीं निकल रहा। मेरा सुझाव ये है, बीजेपी अगर इलेक्शन जीतना चाहती है तो अपना नेतृत्व सामने लाए जो केजरीवाल के सामने टक्कर दे सके, कोई कमिटमेंट कर सके। खाली मोदी जी के ऊपर इलेक्शन जीतना सोचना गलत है। मोदी जी राष्ट्र को संभालेंगे और दिल्ली को संभालेंगे। दिल्ली के लिए एक ऐसा शख्स सामने लाएँ जो उस दिल्ली की समस्या को समझे और उसका नेतृत्व करे। केजरीवाल से इलेक्शन जीतने की क्षमता रखता हो, खाली मोदी जी के नाम पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। और विपिन जी जैसे यहाँ 20-25 साल से अशोकनगर में लगातार काम कर रहे हैं, कोई ऐसे हमने ऐसा कोई दिन नहीं देखा ये यहाँ पे किसी संस्था से ना जुड़े हों, जो है मेडिकल कैंप हो, चाहे बच्चों की सेवा करनी हो, चाहे लोगों को खाना खिलाने का काम हो, हर जगह से हर क्षेत्र में जुड़े हुए, और हम भी इनसे 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हो तो विपिन आहूजा जैसा हो, नेता हो तो विपिन आहूजा जैसा हो। तो ये थे RWA से जुड़े तमाम लोग जिन्होंने विपिन आहूजा को लेकर और विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को लेकर अपनी जो चर्चाएँ हैं, अपने जो मुद्दे हैं वो भी सामने रखे और हम लोगों से बात की। तो ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।